तीसरी पारी, बड़ी तैयारी, बड़ी हलचल और बड़ा मंथन चल रहा है। अब बड़ी हलचल ये आ रही है कि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ बैठक बुला ली है अपने सांसदों के साथ, और इसी के साथ फिर वो रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आंध्र प्रदेश जहां से सीटें हैं कुल 25 और जिस पर 16 सीटों पर टीडीपी ने जीत हासिल की। आज रात दिल्ली पहुंचेंगे सभी टीडीपी के सांसद और कल एनडीए की बैठक में भी टीडीपी के सांसद इकट्ठे होंगे, यहां शामिल होंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी कल जो बैठक हुई थी वहां पर भी 7 लोक कल्याण मार्ग में भी एनडीए की बैठक हुई थी जिसमें टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू पहुंचे थे और एक बार फिर से अपने सांसदों के साथ यहाँ पर चर्चा करने के बाद वो आएंगे। और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी आलाकमान ने यूपी से जानकारी मांगी है। खराब प्रदर्शन पर यह जानकारी मांगी गई है। यूपी में बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव संभव है, बीजेपी आलाकमान ने यह जानकारी मांग ली है। दूसरी तरफ यहाँ पर मंथन भी होने वाला है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ खराब प्रदर्शन पर यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव भी संभव है। केंद्रीय नेतृत्व ने हर छोटी जानकारी मांगी है, फिर वो चाहे नामांकन से जुड़ी हो या चुनावी रैलियों से जुड़ी हो। विस्तृत समीक्षा और मंथन इस पर किया जाएगा और साथ ही कुछ राज्यों के प्रभारियों की संगठन और सरकार में वापसी के आसार भी है, यानी कि यहां पर बड़ा बदलाव संभव है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा जुड़ गई, शिखा का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लगातार शिखा आ रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर के भी आ रही है। एक तरफ मंथन होने वाला है और दूसरी तरफ ये जानकारी भी मिल रही है कि हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा जाएगा। चुनाव रैलियां किस तरीके से हुई है और उसी के साथ प्रचार किस तरीके से हुआ है। बिल्कुल मीनाक्षी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसा प्रदर्शन हुआ है वैसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी जो हुआ है। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बीजेपी की सीटें बहुत कम आई है और इसीलिए देखिए जवाब मांगा गया है कि आखिर कहां पर कमी रह गई है। संगठनात्मक तौर पर भी अगर कोई कमी रह गई है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 बजे तक यहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, तो ऐसे में आप समझिए कि जो संगठन के बड़े नेता हैं वो भी हैं, तो इस चीज़ को लेकर विचार किया जाएगा, चिंतन मंथन किया जाएगा कि आखिर क्या वजह रही कि यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन इतना नीचे चला गया। क्या बिल्कुल शिखा, देखिए संगठन में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। कोमल हमारे साथ बनी हुई हैं। कोमल, जिस तरीके से माना जा रहा था कि मंथन होना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में चूक कहां पर हुई, और उसी का ये नतीजा है कि एक बड़ा फेरबदल हमें आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में आखिर चूक कहाँ से हुई, और देखिए जो संभावना जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें बीजेपी लेकर के आ पाएगी, लेकिन बीजेपी का वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। इसी को लेकर के देखिए रिव्यू मीटिंग भी बुलाई गई है। बाकायदा यहाँ पे देखिए योगी आदित्यनाथ भी पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ देखिए उन्हें ये भी कहा गया है कि वो एक बार एक टीम बनाए और रिव्यू करके बताए कि आखिर चूक कहाँ रह गई। साथ ही साथ देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अयोध्या सीट की, तो कहा जाता है अयोध्या काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। कहा जाता है कि अयोध्या से पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाता है और हिंदुस्तान को एक स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है चुनाव लड़ने में, लेकिन अयोध्या से भी जिस तरह के नतीजे आए हैं तो वो बेहद ही असंतोष है। और इसी को लेकर के देखिए लगातार जो है बीजेपी मीटिंग कर रही है, रिव्यू मीटिंग कर रही है, और इस जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात भी करें तो वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ गए हैं। बाकायदा उन्होंने अपने सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आखिर रिव्यू किया जाए और अगर जनता की बात नहीं सुनी जा रही है कहां पे क्या कमी तो बिल्कुल इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली से आ रही है। एलजी यहां पर दिल्ली एलजी से मिले बीजेपी के सभी 7 नव निर्वाचित सांसद। दिल्ली में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। तो बड़ी खबर, दिल्ली एलजी से मिले बीजेपी के सभी 7 नव निर्वाचित सांसद, तस्वीरें सामने आ गई है। बीजेपी ने 7 सीटों पर एक बार फिर से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि यह हैट्रिक है, लगातार बीजेपी 7 सीटें जीतने में कामयाब रही है। और इसी के साथ यहां पर ये फोटो निकल करके सामने आ गई है जहां एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात करने के लिए नवनिर्वाचित सांसद पहुंचे हुए थे।